आप सभी प्रदेश एवं शहरवासियों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन। एम पवार, आप देख रहे हैं अतर न्यूज की खास खबर। सागर जिला प्रशासन की कार्ड प्रणाली को लेकर वैसे तो अक्सर आम लोगों के सिकबेस शिकायत रहती हैं और लोग प्रशासन की उदासीन रवैये पर आक्रोश जाहिर कर होने वाली परेशानी पर उसे कोसते नजर आते हैं, पर जब वही प्रशासनिक उदासीनता का दंश मंत्री को झेलना पड़े तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किस तर्ज पर प्रशासनिक तंत्र का अमला अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। सागर जिला प्रशासन के उदासीन रवैये को लेकर आम लोग तो पहले ही परेशान हैं, पर अब तो सत्ताधारी दल के मंत्री भी उनके विभाग से क्षुब्ध दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालातों को लेकर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जहां प्रोटोकॉल के तहत मिलने वाले सम्मान नहीं मिलने पर वह बीती रात विफल हो गए और सर्किट हाउस में वापस गड़ाकोटा अपने घर रवाना हो गए, जहाँ मामले की जानकारी के बाद प्रशासन की सांसें फूल गई और स्वयं आला अधिकारी हरकत में आए और मान मनोबल में जुट गए। वहाँ वह मुश्किल मंत्री राजी हुए और ध्वजारोहण कार्यक्रम पहुँचे। इस मामले में खुलकर हालांकि मंत्री भार्गव एवं कलेक्टर मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए, पर मंत्री भार्गव ने गोलमोल तरीके से प्रशासन को घेर अपने चिर परिचित अंदाज में भड़ास निकाल डाली और आम जनता का हवाला देकर अपने व्यवहार में सुधार की नसीहत दे डाली। यह बात खासा जनचर्चा का विषय बना है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। देखिए, मैं लगभग 18 सालों से ये ध्वजारोहण कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी के करता रहा और इस कारण से मेरी कोई इच्छा निजी नहीं होती और प्रोटोकॉल का भी मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं रहता हूँ। इस कारण से इस प्रकार का कोई भाव कि प्रोटोकॉल के कारण ये वो रेस्ट हाउस में सर्किट हाउस में मुझे नींद नहीं आती, इस कारण से मैं वापस लौट गया था। अपने घर जाके अच्छे सोया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, पूजन किया और उसके बाद में यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए आ गया। इसके लिए किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कुछ। भाई साहब, दो दिन पहले प्रदीप लारिया की रवैया की गई है, क्या कारण भाई साहब? दो दिन पहले प्रदीप लारिया नरयावली विधानसभा की, उनकी हमारे सभी विधायक सम्माननीय हैं और यदि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या किसी अन्य भाग के प्रति उनके मन में कोई भाव होगा या कोई अवज्ञा हुई होगी तो उन अधिकारियों के लिए उनसे कहा जाएगा, नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री से कहेंगे। और प्रदीप मेरे साथी हैं, विधायक हैं, मेरे दल के हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अनुसूचित वर्ग के प्रदेश के बड़े नेता हैं और इस कारण से उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो नहीं रखेगा वो सागर में नहीं रहेगा। ये आपकी सुचिता है कि आप प्रोटोकॉल का ज़्यादा आप माइंड नहीं करते हैं, लेकिन आप जिस विभाग के मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के, वहाँ का कर्मचारी प्रोटोकॉल के तहत आप भले ही अपेक्षा ना करें लेकिन उनकी उपस्थिति जरूरी थी। एक भी का बंदा नहीं था वहाँ पे मिनिस्टर, आपने चूंकि आपका प्रोग्राम भी जारी हो चुका था तो क्या कार्रवाई करेंगे या होना चाहिए, आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि एक मंत्री का सम्मान प्रोटोकॉल में भले ही आप अपेक्षा ना करें लेकिन हो सकता है वो अधिकारी कहीं पुताई करवा रहे। अधिकारियों ने सुबह आके सारी बातों का स्पष्टीकरण दिया और मैं जब अपने घर पहुंच गया था वहाँ तो वहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में। मैं मान के चलता हूँ कि इन ओछी बातों को, छोटी मोटी बातों के लिए वो महत्व नहीं देता। मैं सर्किट हाउस में वैसे भी कभी रुकता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मेरा निजी घर है, मकान है और पिछले वर्षों में मैंने इतने वर्षों से ध्वजारोहण कर रहा हूँ, मैं अक्सर अपने घर पर ही रुक के रात को और मैं सुबह वहीं से चलता हूँ और इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर में जो मेरे लिए शांति और नींद मिलती है वो रस्ता सर्किट हाउस से नहीं मिलती है। जहाँ तक प्रोटोकॉल का प्रश्न है तो अधिकारियों को हो सकता है थोड़ी लापरवाही हो, दिन में काम वाम करवाते रहे हों, रात में जल्दी नींद आ गई हो, इस कारण से उनको हो। लेकिन भाई साहब, चावल का एक तरह देख के पूरे चावल पता चलता है, जिस तरीके से अगर और जो उनकी जिम्मेदारी है उन गाँव में ऐसी लापरवाही कर रहे होंगे तब तो जनता का और प्रदेश का क्या कल्याण कर पाएगा पीडब्ल्यूडी विभाग? नहीं, मेरे प्रोटोकॉल का कोई ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन जनता का जो प्रोटोकॉल है आम जनता के लिए, वो प्रोटोकॉल का पालन करें, उसको सम्मान दें तो मेरी, मैं मान के चलता हूँ कि ये सबसे बड़ी सेवा होगी।
मेरे मन में कभी ये घमंड नहीं रहा कि मैं मध्य प्रदेश का सबसे वरिष्ठ राजनीतिक हूँ, मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष भी रहा, मैं 18 वर्षों से लगभग मंत्री भी हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर कभी एक मिनट के लिए भी ये अभिमान का भाव नहीं आया कि मैं राज्य का सबसे वरिष्ठ नेता हूँ, इतने वर्षों से मंत्री हूँ, लीडर अपोजिशन भी रहा हूँ। अधिकारियों को ये सब सोचना चाहिए कि हम कितना वेटेज दें, यदि नहीं देते हैं इसके बाद में मैं सोचूंगा। अभी मैं शब्द के बारे में उपयोग नहीं करूंगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब अधिकारियों ने कहा कि कोई भी कारण उन्होंने जो बताया है इसके कारण से मैं संतुष्ट हूँ। इसके बाद सरकार के MLA के बाद मंत्री की उपेक्षा की गई, तो क्या सरकार प्रशासन पर कमांड खोती जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपको देखने मिलेगी। हुआ कि जो खबरें आई थी कि मंत्री जी नाराज हो गए, प्रोटोकॉल में कुछ कमी का कोई कारण उठाया था, क्या मामला था? गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सागर शहर, सागर जिले के सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मंत्री जी जो फ्लैग होस्टिंग के लिए यहां पर मुख्य अतिथि शासन के द्वारा निर्धारित किए गए थे, माननीय मंत्री जी ने रात्रि विश्राम अपने गृह ग्राम में ही गढ़ाकोटा में किया था, और सुबह ADM और एडिशनल SP उनको ससम्मान लेके आए थे। सर्किट हाउस में मैंने और SP साहब ने उनको रिसीव किया था, और निर्धारित समय पर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम हुआ, और पूरा गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही उल्लासपूर्ण ढंग से और अच्छे से हुआ है। मैं सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जो सब खबरें निकल के आ रही थी उसमें कितनी सच्चाई है? प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात कही जा रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।